हेलो गाइस, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस के बारे में देखेंगे एंड मैं बता दूं आप सभी को, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर होता है एग्जामिनर का। अगर इंग्लिश ग्रामर में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीपोजिशन से दो चार क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से बस सुनते जाइएगा। प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स बताऊंगा इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रीपोजिशन है क्या। तो देखो, प्रीपोजिशन है जो दो शब्द से मिलके बना हुआ है, प्री एंड पोजिशन। तो प्री मतलब क्या होता है बताओ, प्री मतलब क्या होता है? पहले, साफ मतलब है, प्री मतलब पहले होता है, ठीक है। प्री को प्रीफिक्स भी कहते हैं हम लोग, प्रीफिक्स मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द होता है, वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो किसी अदर वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ बताता है। मतलब प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेशन बनाना। तो इसका डिफिनेशन तुम लोग ऐसे तो बोल सकते हो ना कि प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो कि हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन के पहले लगता है। ये वाला इम्पोर्टेंट वर्ड है, प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन के पहले लगता है, ठीक है। और ये रिलेशन शो करता है अदर वर्ड्स के साथ। अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि अदर वर्ड्स तुम्हारा नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये है प्रीपोजिशन। अब बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज रहते हैं कंजक्शन प्रीपोजिशन दोनों एक ही चीज़ है क्या? तो दोनों एक चीज़ नहीं है। कंजक्शन जो होता है क्या करता है, कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन का जैसे कि एंड जो होता है ना, बीच में आके दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, लेकिन प्रीपोजिशन का जोड़ने का काम नहीं है। प्रीपोजिशन जो है रिलेशन शो करता है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बहुत एग्जांपल है, इन, ऑन, अपॉन, ठीक है, सारे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का लिखा गया है डेफिनेशन, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वैसे डेफिनेशन से क्वेश्चंस तो आएगा नहीं। देख लो, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन एंड नाउन और प्रोनाउन टू शो द व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड देयर बाय स्टैंड टू समथिंग एल्स। समथिंग एल्स में वर्ब भी आ सकता है एंड नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो ये था। अब कुछ रूल्स है प्रीपोजिशंस के, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रूल्स को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि नो प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब व्हेन द वर्ब्स आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। देखो, कुछ वर्ब हैं जैसे कि डिस्कस हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया, कंसीडर हो गया, डिमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, प्रिवेड हो गया, सक्सीड हो गया, रिच हो गया, ज्वाइन हो गया, साइन, अफेक्ट, अटैक, इम्फसाइज, कंप्राइज, प्रिसीड, विफॉल, इंटर, रिजम्बल, असिस्ट। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन कभी ज़िंदगी में भी यूज़ मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो ये कुछ वर्ब हैं, इनका यूज़ तुम लोग क्या कभी नहीं करना इनके साथ प्रीपोजिशन, ठीक है, ध्यान रखना। कब नहीं करना है? सिर्फ एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस वाला लाइन समझ लो। देखो, पैसिव वॉइस में इसका यूज कर सकते हो प्रीपोजिशन के साथ, लेकिन इन सभी वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। अब आप बोलेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है? तो नॉर्मल जो वर्ड लिखा रहता है, जो कर्ता बोलता है, जैसे कि राम इज ईटिंग अ एप्पल, ये एक्टिव वॉइस हुआ। अब उसी को पैसिव वॉइस में उल्टा करके बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले, ठीक है, अमांगो इज रिटन बाई राम। तो एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपके एग्जाम में आता है, वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव में बस ऐसे समझो, एक्टिव वॉइस जो होता है नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और पैसिव वॉइस चेंज करके हम लोग अपने तरीके से बताते हैं। तो ध्यान रखना, ये कुछ वर्ड्स हैं, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, इनके आगे प्रीपोजिशन कभी मत लगा देना। अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर इन सभी में से कोई भी वर्ब दिख जाता है और इसके आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ आपको दिख जाता है ना, सबसे पहले वहाँ पे तुम क्रॉस मारना, बोलना ये गलत है, क्योंकि सर ने क्या पढ़ाया था, इन सभी वर्ड के सामने
प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि देखो, ही इंटर द क्लास, एग्जाम्पल देख लो ना तुम ही, ही इंटर द क्लास। अब ही इंटर द क्लास में तुम प्रीपोजिशन खोज के दिखाओ, प्रीपोजिशन मिलेगा ही नहीं क्योंकि लगता ही नहीं है, ठीक है। इसके बीच में कहीं पे प्रीपोजिशन तुमको दिख रहा है, ही हो गया तुम्हारा प्रोनाउन, ठीक है, इंटर्ड हो गया मतलब वर्ब हो गया, एंड द क्लास हो गया तुम्हारा नाउन, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है। अगला सेंटेंस में भी देखो, आई हैव ऑर्डर्ड ए कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव ऑर्डर्ड ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो ऑर्डर्ड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऑर्डर के साथ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं हुआ है। देखो तो आई हैव ऑर्डर्ड ए, तो यहाँ पर इसके साथ हम लोग ने प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया है, लेकिन इनके सेंटेंस में आगे चल के ऑफ़ का यूज़ हो गया है, ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो देखो रूल क्या पढ़ा हमने, दिमाग से समझो, दिमाग लगाओ, हमने ये पढ़ा कि इनके पहले प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी सही है क्योंकि ऑर्डर्ड के पहले प्रीपोजिशन यूज़ नहीं हुआ, तो बाद में हो या ना हो हमसे मतलब नहीं है, बस इनके पहले प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। ये कुछ वर्ड हैं, इसको याद कर लेना, एग्ज़ाम में काम देगा। डिस्कस के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट के पहले भी कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, कंसीडर के पहले प्रीपोजिशन नहीं होगा। सो ऑन डिमांड ऑर्डर प्रीवेड सक्सीड रीच ज्वाइन साइन अफेक्ट अटैक इम्फोसाइज कम्प्राइज प्रीसीड विफॉल इंटर रिजम्बल असिस्ट, इन सभी के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन को जानते हो कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि प्रीपोजिशन जानते हो बहुत बड़ा है और प्रीपोजिशन के जो रूल्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं जान, मतलब जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए वही रूल्स बस पढ़ेंगे। और प्रीपोजिशंस के रूल्स को कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, उसके बाद पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, देन पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, फिर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन बिसाइड्स, बिसाइड्स प्रीपोजिशन बाय विथ। ये कुछ ग्रुप हैं, सबके अपने अपने रूल हैं, तो एक एक करके सबके रूल देखना शुरू करते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस को दर्शाने के लिए हम दो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, एक होता है एट और दूसरा होता है इन। एट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इन कहाँ पे यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा जो कोई चीज़ है डिफिनिट है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट पे है, फिक्स्ड है, ठीक है, कोई भी चीज़ तुमको डिफिनिट पता है, उसके साथ तुम हमेशा क्या यूज़ करना, एट यूज़ करना। लेकिन इन कब यूज़ करते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है। तो लॉन्गर या ड्यूरेशन के लिए हम लोग हमेशा इन का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, इन रिफर्स टू द सिटीज टाउन इन अ वाइडर सेंस, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन वाइडर सेंस के यूज़ में हमेशा इन का यूज़ होता है, लेकिन एट का यूज़ जो होता है हमेशा कंपेरेटिवली जो होता है डिफिनिट पॉइंट के लिए होता है, स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है। जैसे कि देखो, इन एंड ऐट का तुमको और भी यूज़ सीखना है, जैसे कि पोजीशन में भी इनका होता है, ठीक है, इधर भी इन है, इन को टाइम में भी यूज़ करते हैं हम लोग, इनका यूज़ बहुत जगह है, तो सबका अलग अलग रूल है। जैसे कि अगर इन तुम प्लेस में पढ़ रहे हो तो इसका अलग रूल है। प्लेस क्या होता है तुम ही सोचो ना, या तो बड़ा प्लेस होगा या तो छोटा प्लेस होगा। वाइडर प्लेसेस के बारे में, जैसे कि बड़े बड़े सिटीज़ हो गया, टाउन्स हो गया, इनके बारे में अगर तुम बोलते हो तो हमेशा इसके साथ क्या यूज़ करना, इनका। लेकिन अगर छोटे छोटे स्मॉल प्लेसेस की बात करते हो तो ऐट का यूज़ करोगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, यहाँ पर इन क्यों यूज़ हुआ समझ में आया, क्योंकि इंडिया हम लोग वाइडर सेंस में बात कर रहे हैं, इंडिया इज़ अ बिग प्लेस, वाइडर सेंस में बोल रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट में देखो, सी लिव्स एट मोती बाग इन दिल्ली, लिव्स एट मोती बाग, पार्टिकुलर हमने डिफिनिट सेंस यहाँ पे दे दिया और स्मॉलर प्लेसेस की बात की है, तो एट का यूज़ किया है, देख लो ना, सी लिव्स एट मोती बाग, ठीक है। उसके बाद एक और प्रीपोजिशन आया है, इन दिल्ली, तो देखो दिल्ली वाइडर सेंस में है इसीलिए इसके सामने इन लगा दिया, लेकिन मोती बाग एक पर्टिकुलर जगह है और स्मॉलर प्लेस है इसीलिए इसके पहले एट लगाया, ठीक है, तो ये याद रखना।
अगर इन और ऐट का यूज़ होता है इन द सेंस ऑफ प्लस, तो इन का कब यूज़ करेंगे और ऐट का कब यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में ऐसे ही तुम्हारा दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स और इन गायब कर देगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर से तुमसे इन गायब कर देता हूँ और ऑप्शन में तुमको चार ऑप्शन दे देगा, इन, ऐट, इफ़, द, कुछ करके भी दे देगा ऑप्शन, नन ऑफ दिस करके, और चूज़ करना रहेगा कि ये खाली जगह पे क्या होगा। तो बता दोगे वी लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्ज़ाम में वो भी देख लो। देखो ऐसे रहेगा, क्वेश्चन दे देगा और बीच में ऐसे गैप छोड़ देगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना रहेगा। चार ऑप्शन रहेंगे तुम्हारे, चारों ऑप्शन में चार प्रीपोजिशन रहेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा कौन सा गलत होगा वो चूज़ करना रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो पहले बेहतर होगा कि रूल को याद कर लो, समझ लो, देन क्वेश्चन बनाना। तो हमने प्लेस वाला देख लिया, अब आगे देखते हैं पोजीशन। तो पोजीशन में टोटल चार प्रीपोजिशन यूज़ होता है, जैसे कि इन पोजीशन दर्शाने के लिए होता है यूज़, ऐट भी पोजीशन दर्शाने के लिए यूज़ होता है, टू भी पोजीशन दर्शाने के लिए यूज़ होता है, एंड साथ ही साथ इनटू से भी पोजीशन दर्शाया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लोग के पहले रूल से समझते हैं। इन एंड ऐट आर यूज टू डिनोट पोजीशन एट रेस्ट। इन एंड ऐट का यूज कहाँ पे किया जाता है, अगर पोजीशन के सेंस में। अब कंफ्यूज मत होना, अभी प्लेस वाला हमने पढ़ा था, वहाँ पर भी इन एंड ऐट के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे कंसेप्ट अलग था, ठीक है। पोजीशन के सेंस में इन एंड ऐट का हम लोग अलग तरीका रूल पढ़ रहे हैं। इन एंड ऐट का अगर पोजीशन के सेंस में यूज़ किया जाए तो ये पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, और जो पोजीशन एट द रेस्ट में होता है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो ही इज़ इन बेड, ये भी रेस्ट वाला पोजीशन दर्शा रहा है, ठीक है। सी इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, ठीक है, तो ये भी रेस्ट वाला दर्शा रहा है। लेकिन टू एंड इन टू ये भी पोजीशन का ही प्रीपोजिशन है, तो टू का यूज़ कब करेंगे और इन टू का यूज़ कब करेंगे। टू एंड इन टू आर यूज टू डिनोट मोशन, ठीक है। मोशन वाले अगर पोजीशन का बात किया जाएगा तो हमेशा टू और इन टू का यूज़ करना, भूल के भी इन और एट मत लगा देना। जैसे कि पोजीशन कैसे होता है, जैसे कि आई रैन टू ऑफिस, तो यहाँ पर रैन हो रहा है टू ऑफिस, तो ये मोशन दर्शा रहा है। देन उसके बाद ही जम्प्ड इन टू द पूल, तो यहाँ पर इन टू क्यों यूज़ हुआ समझ में आ गया, क्योंकि रूल था कि टू या इन टू का हमेशा यूज़ कहाँ पे करते हैं, मोशन वाले पोजीशन को दर्शाने के लिए, और इन और ऐट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, रेस्ट वाले पोजीशन को दर्शाने के लिए। जैसे कि ही इज़ इन बेड, सी इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, ठीक है। रेस्ट मतलब जहाँ पे मूवमेंट ना हो, मोशन ना हो। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम थर्ड कैटेगरी है प्रीपोजिशन का। इसमें टोटल तीन प्रीपोजिशन होते हैं, ऑन, एट, इन, ठीक है। देखो मैंने दो तुमको रूल समझाए हैं, दो रूल। अब क्वेश्चन को रूल पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन तुमको कैसे बनाना है ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बस समझा रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे कि लिखा गया द ड्राइवर जम्प्ड द कार, अब यहाँ पे कौन वाला यूज़ होगा, जम्प्ड द कार क्या है, ठीक है, वो पहचानना पड़ेगा तुमको, उसके बाद ही तुम बना सकते हो, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा किसके पहले यूज़ होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो इसके पहले क्या यूज़ होगा यही डिसाइड करेगा ना। और ये देखो ड्राइवर जम्प्ड क्या दर्शा रहा है, मोशन दर्शा रहा है। और इसका सही आंसर मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, द ड्राइवर जम्प्ड ऑफ द कार। अभी ऑफ वाला हमने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी ऑफ वाला नियम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर डी क्यों हुआ। वैसे ही तुमसे क्वेश्चन बनाने का अप्रोच मैं सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन तुमको पहचानना है। जैसे कि देखो यही क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 8, इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर टाइम की बात करी गई है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का रूल लगाना है यहाँ पर, क्योंकि देखो ना एन आवर, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वाला रूल यहाँ पे लगेगा। फिर अगला देखते हैं, और भी है यहाँ पर भी, देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ किया गया है, डेट कैलेंडर का यूज़ किया गया है, तो ये सारे रूल्स पढ़ा रहा हूँ ना, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ
पोजीशन, ये सभी यूज़ करना है, ठीक है। वहाँ पे खोजना है, क्वेश्चन अगर आ जाए तो वहाँ पे खोजना है कौन सा रूल लगेगा। चलो अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में टोटल 3 प्रीपोजिशन होते हैं, ऑन, एट, इन। देखिए ऑन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ऑन इज़ यूज्ड विद द डे, आइदर फॉर मंथ और वीक, ठीक है। ऑन का हमेशा यूज़ कहाँ पे करते हैं, ऑन मंडे, ऑन संडे, तो हम हमेशा दिन के साथ करते हैं, ठीक है। आइदर ऑफ मंथ और वीक, आइदर ऑफ मंथ और वीक, मंथ का डे हो या वीक का, हमेशा डे के साथ क्या यूज़ करना चाहिए, ऑन, ओ एन ऑन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, आई विल मीट यू ऑन मंडे, तो यहाँ पर ऑन ही यूज़ होगा। अगर यहाँ पर ऐट लिख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐट नहीं लिख सकते हो। ऐट हमेशा डिफिनिट मीनिंग देता है, लेकिन मंडे, मंडे तो ढेर सारे मंडे होते हैं ना दुनिया, 365 दिन में कितने मंडे होंगे, तो डिफिनिट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आई विल मीट यू ऑन मंडे ही यूज़ होगा, भूल चूक से ऐट या इन मत लगा देना। अब तुम बोल के भी देख सकते हो, आई विल मीट यू इन मंडे, बोलने में ही गलत लगता है, तो इन भी नहीं यूज़ होगा। हमेशा दिन के साथ ऑन का यूज़ करना है, ध्यान देना, दिन दिया रहेगा तो ऑन यूज़ करना है। अब ऐट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, ऐट इज़ यूज विथ हमेशा डेफिनेट टाइम। ऐट का यूज़ हमेशा एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज़ करना है। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम दिया जाए, जैसे कि 4 बजेगा, 5 बज गया, 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, अगर एग्जैक्ट टाइम लिखा रहे ना, आँख बंद करके वहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, ऐट आएगा। जैसे कि 5 o'clock, 5 o'clock एकदम एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, इसमें कुछ तोड़ मड़ोल के नहीं है, ये एकदम 100% डिफिनिट नंबर है, एग्जैक्ट टाइम है। तो एग्जैक्ट टाइम के साथ ऐट का यूज़ करते हैं, इसीलिए लिखा गया है सी वॉज हेयर ऐट 5 o'clock। अच्छा अब इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इन जो होता है इनका यूज़ हमेशा इवनिंग, मॉर्निंग, ETC के साथ किया जाता है, ठीक है, आफ्टरनून। तो इन का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे कि देखो, ही विल लिव इन इवनिंग, ठीक है, तो हमेशा इनका यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये सभी टाइम दर्शाते हैं, इसीलिए इनको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे कि मॉर्निंग क्या हो गया, टाइम दर्शा रहा है, इवनिंग क्या हो गया, टाइम दर्शा रहा है, 5 o'clock क्या हो गया, टाइम दर्शा रहा है, मंडे क्या हो गया, अगेन डेट एंड कैलेंडर दर्शा रहा है। तो ये सभी क्या हैं, टाइम और डेट और कैलेंडर के प्रीपोजिशन थे। अब देखते हैं कुछ और, एक प्रीपोजिशन है वाई एंड एक प्रीपोजिशन है विथ, इन दोनों का रूल है कुछ। बाई का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, बाई इज़ यूज फॉर द एजेंट और डूअर, हमेशा बाई का यूज़ हमेशा डूअर के लिए होता है, जो काम करने वाला होता है, डूअर समझते हो, जो करता होता है, करता, हिंदी में उसको करता बोलते हैं। तो बाई का यूज़ हमेशा करता के साथ करना चाहिए, ठीक है, एजेंट के साथ करना चाहिए। विथ का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम लोग, विथ का यूज़ होता है हमेशा इंस्ट्रूमेंट वगैरह को डिनोट करने के लिए किया जाता है, कोई सामान वगैरह हो गया उसको डिनोट करने के लिए किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो ना, ही किल्ड हिम विथ एन एक्स, एन एक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट, तो हम लोग एन एक्स के साथ विथ का यूज़ किया। यहाँ पे बाई का यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे कि ही किल्ड हिम बाई एन एक्स, बकवास हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते, ही वॉज किल्ड बाई द ड्राइवर, ठीक है, बाई द ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या हो गया, यहाँ पर समझो ना, ही वॉज किल्ड बाई द ड्राइवर, ड्राइवर का हत्या हो गया। ही वॉज द किल्ड बाई द ड्राइवर, ड्राइवर ने किसको मारा है, इसको, तो किल्ड बाई द ड्राइवर। तो बाई के साथ हमेशा ड्राइवर क्या था, डूअर था, ड्राइवर ने ही मारा था किसको, इसको, तो हमेशा डूअर के साथ बाई का यूज़ करते हैं। पैसिव, ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन है बिसाइड्स एंड दूसरा है बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का जो मतलब होता है द साइड ऑफ, बगल से, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब एडिशन समझते हो, जो है उसमें थोड़ा सा बढ़ा के। तो देखो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों दो चीज़ हैं, एक मत मान लेना। बिसाइड का अलग मतलब है, अलग मीनिंग है, डिक्शनरी में जाकर देख लेना, बिसाइड्स का अलग मीनिंग है, ठीक है, तो दोनों एक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके मीनिंग के आधार पे तुम्हारा सेंटेंस जैसा भी होगा तो यूज़ करना है, ठीक है। इसका कोई ऐसा सच लॉजिक नहीं है, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है।
अब कोई जैसे कि देखो ना, ही केम एंड सैट बिसाइड हर, तो यहाँ पर बिसाइड यूज़ किया गया है जो कि बिल्कुल सही है। अगर तुम यहाँ पे बिसाइड की जगह पे बी साइड्स, SID ES ये वाला यूज़ कर दोगे तो बिसाइड्स, अब ये वाला यहाँ पर बिसाइड्स इसको हटा करके बिसाइड्स लगा दो, पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही गड़बड़ आ जाएगा। मीनिंग बना के देखो, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। हम बोलेंगे ही कैम एंड सैट, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू हर। तो ये क्या कोई मतलब दे रहा है? तो हमेशा सोच समझ के यूज़ करना, पहले बिसाइड का यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस को पढ़ लेंगे, और मीनिंग के आधार पे ये वाला यूज़ होगा कि ये वाला यूज़ होगा आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, बिसाइड टू हर मतलब बगल में बैठा हुआ ये सेंस दे रहा है, लेकिन बिसाइड्स टू हर लिखते तो इन एडिशन टू कोई सेंस नहीं दे रहा था, इसलिए नहीं लगाया। उसके बाद देखते हैं ये, बिसाइड्स इन ए कार ही हैज़ अ मोटर बाइक, तो ये बिसाइड्स का यूज़ यहाँ पे किया गया जो कि बिल्कुल सही किया गया है, लेकिन बिसाइड्स के जगह पे बिसाइड कर दोगे, बिसाइड ए कार मतलब कार के बगल में, ही हैज़ अ मोटर बाइक। ठीक है, तो यहाँ पर बिसाइड्स करोगे मीनिंग गड़बड़ आ जाएगा सेंटेंस का, तो बिसाइड्स नहीं कर सकते हो, ये वाला नहीं कर सकते हो, हमेशा ये वाला यूज़ होगा, ये वाला। तो बिसाइड बिसाइड का जो है ना, दोनों ये दोनों का आपको सेंटेंस पढ़ के ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखो, बिटवीन, बिटवीन का कहाँ पे यूज़ होता है, और एमंग, एमंग का कहाँ यूज़ होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों का यूज़ भी अलग अलग है। जैसे कि बिटवीन, बिटवीन इज़ यूज फॉर वाइल रिपलिंग टू पर्सन और थिंग, बिटवीन हमेशा दो दो के लिए आता है, ध्यान रखना, बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, लेकिन अमंग जो है दो से ज़्यादा लोगों के लिए आता है। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, जैसे बोलते हैं ना बैटल ऑफ पानीपत, किन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, बिटवीन पूछा जाता है, तो बिटवीन हमेशा दो के बीच का बात करता है, लेकिन अमंग जो होता है दो से अधिक के बीच के बात करता है। तो बिटवीन एग्जाम्पल देख लो, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, तो यहाँ पर टू की बात करी गई है, तो दो सन्स के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड हुआ। अभी देखो यहाँ पर बिटवीन की जगह पे तुम क्या एमंग लगा सकते थे, बिटवीन को हटा करके एमंग लगाओ, नहीं होगा। एमंग हिज टू सन्स, यहाँ पर दो की बात करी गई है तो एमंग नहीं लगा सकते हो, दो से ज़्यादा की बात करी जाती तो एमंग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलरली दो की बात हो रही है तो बिटवीन लगेगा। अब आगे देखते हैं, डिवाइड दिस मैंगोज, मैंगोज है भाई, ढेर सारे मैंगोज है, अब ढेर सारे मैंगोज हैं मतलब दो से ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, तो मैंगोज ढेर सारे हैं, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर प्लूरल है मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग प्रीपोजिशन किसको देख के लगाते हैं, मैंगोज को देख के लगाएंगे कि स्टूडेंट्स को देख के लगाएंगे, तुम लोग बताओ, प्रीपोजिशन का मीनिंग समझाया ना आप लोगों को, तो ध्यान मतलब ध्यान रखना, प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा, प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो ये तुम्हारा नाउन है और नाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन, तो हमेशा इनके पीछे वाले, जो भी प्रीपोजिशन बनाना होगा तो पीछे वाले को देख कर बनाना है, मैंगोस को देख कर नहीं बनाना है, मैंगोस से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आता है, तो ये है तुम्हारा नाउन, इससे पहले आया प्रीपोजिशन। अब बताओ, स्टूडेंट्स प्लूरल है मतलब ढेर सारे स्टूडेंट हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो दो से ज़्यादा रहते तो क्या बिटवीन का यूज़ करेंगे कि अमंग का, तो अमंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रीपोजिशन है इन और विद इन। ठीक है, इन और विद इन दोनों अलग अलग चीज़ें, देखो इन का यूज़ होता है एंड ऑफ अ टाइम, इन का जब कहाँ जहाँ पर समय समाप्त हो रहा हो वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं, लेकिन विद इन का यूज़ होता है, इसका मतलब होता है बिफोर द एंड ऑफ अ टाइम, विद इन मतलब बिफोर, समय ख़त्म होने से पहले का टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ही विल कम बैक इन एन आवर, ठीक है, तो ये डिफिनिट मीनिंग दे रहा है, मतलब वो एक घंटे में कम बैक वापस आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस को समझो, सी विल रिटर्न विद इन 10 मिनट्स, ठीक है, विद इन 10 मिनट्स, तो समझ रहे हो, तो ऐसे भी कर सकते हो कि विद इन का जो यूज़ होता है जस्ट कम समय का, जो समय जो समाप्त होने का रहता है ना, जैसे कि 10 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है, तो ऐसा कम समय बचा रहे तो हमेशा विद इन का यूज़ करेंगे, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप इन का यूज़ करेंगे। वही यहाँ पे भी लिखा गया था,
विद इन का यूज़ हम हमेशा कहाँ पे करते हैं, एंड ऑफ टाइम के जस्ट पहले, जस्ट पहले समय ख़त्म होने वाला है, जस्ट पहले विद इन का यूज़ करेंगे। लेकिन आपके पास अगर टाइम है ज़्यादा, जैसे कि इन का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक घंटा था तो इन का यूज़ किया, यहाँ पर विद इन का यूज़ नहीं करेंगे, विद इन का यूज़ कम समय के लिए किया जाता है तो यहाँ पर विद इन हो गया। अब देखो सिंस एंड फोर का बहुत बड़ा यूज़ है, ये तुमको नरेशन में काम देगा, वॉइस में काम देगा। सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है, फोर का यूज़ कहाँ पे होता है, तो सिंस का यूज़ जानते हो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सर्टेनिटी दिखाने के लिए होता है, पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए होता है सिंस का। लेकिन फोर का जो यूज़ होता है हमेशा ड्यूरेशन, लंबे समय को दिखाने के लिए होता है। फोर का याद रखना, फोर हमेशा लंबे ड्यूरेशन के लिए, और सिंस जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम नम पार्टिकुलर एक्यूरेट दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखो ही हैज़ बीन लिविंग हर सिंस 1994, तो 1994 एकदम डिफिनिट पॉइंट है, डिफिनिट है, 1994 हो गया, 1995 हो गया, या यहाँ पर सिंस के बाद मंडे भी लिख सकते हो कि नहीं, बोलेंगे नहीं, मंडे 365 दिन में कौन सा मंडे, अगर लास्ट मंडे करोगे तो तुम इन लगा सकते हो, लेकिन मंडे लिखोगे तो फोर लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ जो टाइम है वो दिया रहे, पर्टिकुलर टाइम दिया रहे एकदम, जिससे तुमको देखने को लगे कि नहीं ये जो टाइम दिया गया है एक्यूरेट दिया गया है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। अब फोर में पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है, फोर इज़ यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखो एग्जांपल दिया गया, ही हैज़ बीन लिविंग हर फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, 10 ईयर्स। और यहाँ पर 10 ईयर्स कौन सा 10 ईयर्स, 2010 से 20 वाला 10 ईयर के, 2012 से 22 वाला, तो 10 ईयर्स तो कोई भी 10 ईयर्स इनका हो सकता है ना। 10 ईयर्स हम लोग को नहीं पता है कि कौन से 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 10 ईयर्स का गैप तो कभी भी हो सकता है, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, 2022 से 2032 वाला कौन 10 ईयर्स हमको नहीं पता है। तो हमेशा फोर का यूज़ वैसे चीज़ों के लिए किया जाता है जो इंडिफिनिट होता है, जो हम लोग पॉसिबिलिटीज़ लगा सकते हैं, और लॉन्गर टाइम के लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। कुछ और है, जैसे कि देखो ऑन एंड अपॉन, ऑन का कहाँ पे यूज़ होगा, अपॉन का कहाँ पे होगा, तो ऑन जो है हमेशा पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, और अपॉन जो है हमेशा मूवमेंट के लिए, ऑन पोजीशन अपॉन मूवमेंट, ठीक है। एग्जांपल देखो द जग इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन ही यूज़ करेंगे, अपॉन करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि अपॉन मतलब होता है मूवमेंट, तो अगर लिख देंगे द जग इज़ अपॉन द टेबल, तो जग मूवमेंट कर रहा है टेबल पे, जग मूवमेंट तो करता नहीं है तो गलत हो जाएगा ना, तो सही यहाँ पे लिखा गया है जो द जग इज़ ऑन द टेबल। अब देखो अपॉन का देख लो कहाँ गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अब यहाँ पर ऑन नहीं लगाओगे, यहाँ पर अपॉन लगा हुआ है वो सही है। जैसे कि देखो ऑन लगा के देखते हैं, द कैट इज़ जम्प्ड ऑन द टेबल, तो बहुत सारे लड़कों को लगेगा कि ऑन द टेबल बोलना सही है, लेकिन एक्चुअली में वो गलत है। जहाँ पे मूवमेंट की बात करी जाए वहाँ पे ऑन नहीं यूज़ करना है, अपॉन यूज़ करना है, तो द कैट इज़ जम्प्ड मतलब मूवमेंट कर रही है ऑन द टेबल, ये हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इसके कुछ रूल्स तो हैं लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है इतना है याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या है, जैसे कि दो चार मैं बता देता हूँ तुमको, घर से पढ़ के आना। जैसे को डील के साथ हमेशा इन का यूज़ होता है, कुछ वर्ड हैं जिनके साथ फिक्स है कि इनके साथ यही प्रीपोजिशन आएगा, जैसे कि डील विथ, डील के साथ इन यूज़ किया जाएगा, इन द सेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, डील के साथ विथ यूज़ किया जाएगा, इन द सेंस ऑफ पर्सन एंड मैटर, तो डील के साथ इन भी यूज़ किया जा सकता है और डील के साथ विथ भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक वैसे ही फैमिलियर के साथ टू भी यूज़ किया जा सकता है, फैमिलियर के साथ विथ का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मायने रखता है कि आप कौन से फैमिलियर की बात कर रहे हैं। अगर फैमिलियर के साथ आप टू लगा देंगे तो फैमिलियर का एक अलग मीनिंग देता है, अगर फैमिलियर के साथ आप विथ लगा देंगे
तो फैमिलियर का एक अलग मीनिंग हो जाता है। जैसे कि देखो, फैमिलियर टू का मतलब होता है टू नो, जानना किसी चीज़ के बारे में, लेकिन फैमिलियर के साथ अब विथ लगा दिए तो इसका मतलब चेंज हो गया, अब इसका मतलब है नॉलेज, फैमिलियर विथ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, जैसे कि डील, डील के साथ इन प्रीपोजिशन लगा दिए तो इसका मतलब हो गया ट्रेड इन। ठीक है, लेकिन डील के साथ अगर विथ लगा दिए तो इसका मतलब हो गया एक पर्सन या कोई मैटर। ठीक है, तो समझना है। जैसे कि अगला देखो, हियर फ्रॉम है, हियर ऑफ है, तो हियर फ्रॉम का मतलब होता है कोई पर्सन, हियर ऑफ का मतलब होता है समथिंग। ठीक है, इंक्वायर फॉर, इंक्वायर ऑफ, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो ये क्या करना है ना बाबू, तुमको घर में पढ़ना पड़ेगा इसको जाके, और डिफरेंस दिया गया है, दोनों का मीनिंग दिया गया है, और यहाँ पर साथ ही साथ एक एक तुम्हारा एग्जाम्पल भी दिया गया है ताकि तुमको समझ में आए कहाँ पे क्या यूज़ करना है। अब इन, जैसे कि देखो, क्वेश्चन में फैमिलियर टू यूज़ करना है कि फैमिलियर विथ यूज़ करना है, ये तो तुम्हारे सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। बस याद रखना, फैमिलियर के साथ टू, विथ दोनों यूज़ होता है। अब विथ कहाँ पे यूज़ होता है और टू कहाँ पे यूज़ होता है वो सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा तुमको। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं अब एक करके। अच्छा, एक प्रीपोजिशन था ओल्ड ओवर लिफ ऑफ, इसका मैंने नहीं बताया, उसका लिखना चाहो तो लिख लो। ऑफ का जो यूज़ होता है ना, हमेशा मतलब किसी चीज़ को नीचे दिखाने के लिए, डाउन या अवे फ्रॉम द जो प्रेजेंट प्लेस है उसको दिखाने के लिए, दूर की चीज़ें या नीचे की चीज़ें दिखाने के लिए किया जाता है ऑफ का यूज़। जैसे कि देखो, ड्राइवर जंप्ड अपॉन, यहाँ पर अपॉन होगा कि ऑफ होगा? देखो, पहला मैंने बताया था तुमको, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, यहाँ पे ऑफ होगा बाबू, ऑफ। बाकी के तीन गलत क्यों हैं? जैसे कि देखो, ड्राइवर जंप्ड इन द कार, अब कार के अंदर कैसे जंप कर सकता है कोई? ठीक है, फ्रॉम द कार, बाय द कार, बाय का मैंने तुमको रूल्स पढ़ाया है, बाय का यूज़ कहाँ पे करना है। ठीक है, तो बाय का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़ होगा ऑप्शन नंबर डी का। और नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं तुमको, एक मिनट, आंसर किधर गया? फर्स्ट का डी है। ठीक है, फर्स्ट का डी। सेकेंड का देखो, सेकेंड में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? दो चार क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर आपको घर से करना है सब के सब। सेकेंड है डैश ऑल हिज फॉल्ट्स इज स्टिल लाइक्स हिम, ऑल हिज फॉल्ट्स, ऑल हिज फॉल्ट्स को देखो और लगाओ, क्या हो जाएगा बताना, आई होप बना लिए होगे, क्या होगा? फॉर ऑल हिज फॉल्ट आई स्टिल लाइक हिम, विथ ऑल हिज फॉल्ट आई स्टिल लाइक हिम, ऑफ ऑल हिज फॉल्ट आई स्टिल लाइक हिम, बियॉन्ड ऑल हिज फॉल्ट आई स्टिल लाइक हिम। बियॉन्ड तो मैंने पढ़ाया नहीं है आज, तो बियॉन्ड तो हटा दो, जो मैंने पढ़ाया है उसमें बताओ। ऑफ, ऑफ भी नहीं होगा, ऑफ ऑल हिज फॉल्ट, ऑफ से वर्ड शुरू नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी में चूज करना है आपको, कौन सही होगा, कौन सही लग रहा है आपको? फॉर ऑल हिज फॉल्ट, तो ध्यान रखना विथ का यूज़ मैंने तुमको सिखाया था ऊपर में, विथ का यूज़ देख लो, यहाँ पर ऊपर मैंने सिखाया था ऑलरेडी, क्या कि विथ का यूज़ हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाना चाहिए। विथ का यूज़ एक और है, विथ का यूज़ हमेशा बुराई में या फॉल्ट, मतलब कुछ भी तुम्हारे बारे में बता रहा है तब, जैसे कि यहाँ पर फॉल्ट बता रहा है, ऑल हिज फॉल्ट, तो यहाँ पे विथ ऑल हिज फॉल्ट यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, देन ही लुक्ड, ही लुक्ड हिज वॉच एवरीवेयर, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ही लुक्ड टू हिज वॉच एवरीवेयर, ही लुक्ड अबाउट, अबाउट तो नहीं होगा, ही लुक्ड फॉर हिज वॉच एवरीवेयर। ठीक है, He looked off his watch. तो off और to और about नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, everywhere कहाँ, मतलब everywhere मतलब आ जाता है सब जगह, तो इन्होंने सब जगह ढूंढा, और मैंने बताया था for का यूज़ कैसे किया जाता है और for के साथ since का यूज़ कैसे किया जाता है। तो since का छोड़ो, यहाँ पर for का यूज़ हो रहा है, for का रूल्स देख लेना। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को निश्चित चीज़ पता ना हो, अनिश्चित हो ना, वहाँ पर फोर यूज़ करते हैं। जैसे कि एवरीवेयर, एवरीवेयर कहाँ, कौन सा वेयर, मतलब किधर, इसने बोला मैंने सारी ओर बाज खोज ली है, तो कहाँ कहाँ खोज दी, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है, लास्ट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी बीच के सारे क्वेश्चन तुमको करना है।
जैसे कि तुमको मैंने कुछ और सिखाया था, टाइम वाला सिखाया था, दे विल रिटर्न एन आवर। तो एन आवर एक डिस्टिंक पॉइंट ऑफ टाइम है। आप बताओ इस टाइम के साथ क्या यूज़ करना चाहिए, वाई होगा कि टू होगा कि अप होगा कि विद इन होगा। अभी अभी समझाया था विद इन वाला, अगर कम समय के लिए होता है तो हम लोग विद इन का यूज़ करते हैं, समझाया था ना। तो यहाँ पर एक घंटे में वो वापस लौट रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर आपने बताया था कि विद इन का, यहाँ पर इन का भी यूज़ तो कर सकते थे यहाँ, क्योंकि एग्जांपल में देखो मैंने सिखाया था विद इन वाला कहाँ गया, कहाँ गया वे, यह रहा, यह कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ रहा। देखो विद इन, विद इन 10 मिनट्स, अभी इन एन आवर, तो यहाँ पर आपने बोला कि वहाँ पे विद इन यूज़ होगा और यहाँ पर एन आवर के पहले इन का यूज़ हुआ, ये कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर इन विद इन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इन यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, और जो चीज़ ऑप्शन में नहीं है तो अल्टीमेटली बचा कौन, विद इन। इसीलिए टाइम के साथ इन का भी यूज़ होता है, विद इन का भी यूज़ होता है, इन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, विद इन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। बट यहाँ पर इन नहीं दिया गया था ऑप्शन में, सिर्फ विद इन था, तो विद इन आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत, ठीक है, बाकी सब गलत। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, वी टेक डिलाइट डैश हंटिंग, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, फोर होगा, ऑन होगा, इन होगा या वाई होगा, ठीक है, नीचे आंसर नहीं देखना है, ठीक है, जिनको रूल्स याद हो जाएंगे उनके लिए आसान हो जाएगा ये चैप्टर। कहाँ पे था ये, 23 का फोर होगा क्या, वी टेक डिलाइट फॉर हंटिंग, ऑन हंट, ऑन तो नहीं होगा, बाई हंटिंग ये भी नहीं होगा, बाई का यूज़ हमेशा डूअर के लिए होता है, या तो यहाँ पे डूअर नहीं है तो बाई भी नहीं होगा, ना ही ऑन होगा, ऑन हमेशा जानते ही हो कहाँ पर यूज़ होता है। और तो बचा ए और सी, ए और सी में कौन हो जाएगा, वी टेक डिलाइट फॉर हंटिंग, फॉर हंटिंग ये भी कहना गलत है, तो कहना सही बस एक ही है, 23 का सी नीचे देख सकते हो, वी टेक डिलाइट इन हंटिंग, ठीक है, वी टेक डिलाइट इन हंटिंग, ओके। बाकी सारे देख लो, इसी तरह की क्वेश्चन है, 9 o'clock वाला बताना तुम लोग क्या होगा भाई, ये है एग्जैक्ट टाइमिंग दे दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सिखाया था, एट लगेगा कि इन लगेगा बताओ। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर कहीं पे टिल दिया गया है, कहीं पे टू दिया गया है, कहीं पे फॉर्म दिया गया है, कहीं पे बाई दिया गया है, एट और इन का तो बात ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एट इन तो देवे नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा 16 का आंसर, सी स्लेप्ट टिल 9 o'clock, टू तो नहीं होगा टाइम के साथ, टू 9 o'clock, बाई भी डूअर के लिए होता है तो बाई इसके साथ नहीं होगा, फ्रॉम 9 o'clock, तो यहाँ पे टाइम के लिए टिल यूज़ कर सकते हो। और 16 का कहाँ गया, 16 का ए आंसर है, नीचे में दिया गया है, मिला लिया, ठीक है, टाइम के लिए टिल का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बाकी तुम लोग देख लेना अपने नज़रिए से। अब देखो 24 का देखो, 24 में वेडनेसडे दिया गया है, तो ये भी किसी दिन का नाम है। अभी रूल्स में मैंने पढ़ाया था दिन जब रहे तो कौन सा लगाते हैं हम लोग, फोर लगाते हैं कि ऑन लगाते हैं कि सिंस लगाते हैं कि एट लगाते हैं, तो सिंस मंडे संडे ट्यूसडे, तो सिंस लगाते हैं, दिन के साथ सिंस लगाया जाता है। 24 का सी, तो बोलेंगे सर 24 का सी तो नहीं है, 24 का बी है, यानी 24 का क्या हो जाएगा, अब कन्फ्यूज़न रहता है कि 24 का बी होगा कि सी होगा, बाकी दो को गलत है, फोर नहीं होगा, दिन के साथ फोर का यूज़ नहीं होता है, और ना ही ऐट का, ऐट हमेशा एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, और वेडनेसडे 365 दिन में हज़ारों वेडनेसडे आते हैं, तो हमको पता नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है कौन सा वेडनेसडे की बात हो रही है, तो ऐट का यूज़ भी नहीं करेंगे, तो बच जाता है दोये को, सिंस या ऑन, तो कौन सा यूज़ होगा, ऑन होगा या सिंस होगा, तो नहीं समझ में जब आता है कि कौन सा यूज़ होगा तो एक बार पेज उलट के पीछे जाओ और ऑन और सिंस दोनों का रूल्स देख लिया करो, जब ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो तो। सिंस और तो सिंस का मैंने बताया था सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ हुआ करता है, और ऑन के लिए मैंने क्या बताया था,
ऑन वाला देखो यहाँ पर, ऑन इज यूज विद द डे आइदर ऑफ मंथ और वीक, तो ऑन हमेशा दिन के साथ यूज होता है। सॉरी अगर मैंने करेक्ट बोल दिया हो पीछे कि विथ, सॉरी, तो याद रखना ठीक है, ऑन हमेशा दिन के साथ यूज होता है, सिंस भी होता है दिन के साथ यूज, ठीक है, सिंस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, जैसे कि नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे बोलूँगा तो सिंस का यूज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो नेक्स्ट मंडे नहीं था ना, यहाँ पर सिर्फ मंडे था, सॉरी मंडे भी नहीं था, यहाँ पर वेडनेसडे था, अगर यहाँ पर नेक्स्ट वेडनेसडे रहता तो सिंस का यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेडनेसडे था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑन वेडनेसडे। और ऑन का यूज़ मैंने सिखाया है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, जाके देखो पीछे रूल्स, जस्ट समझ में नहीं आता तो यही करना, बाकी घर से बनाने हैं बाबू आपको, ठीक है, इसका PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो जाके बनाने की कोशिश करना, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।